विज्ञान देखो सी तंत्र विज्ञान मंत्र विज्ञान में बहुत कुछ संभव है करना। अगर हम इन सबको विश्वास नहीं भी करें, आध्यात्मिक लेवल पे विश्वास नहीं भी करें और साइंटिफिक ढंग से उसको समझना या उसको रिसर्च करने के आधार पे भी अगर हम काम करना चालू करें तो इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये घटना मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैं भगवान ओशो के वीडियो से सुना था और उसके आधार पर एक बहुत अच्छा फिल्म भी हुआ है। इस आधार पे एक बहुत अच्छा फिल्म भी हुआ है, जैसे वो फिल्म इंग्लिश फिल्म है, उसको हिंदी डब भी हुआ है। उसमें वो दिखा रहा है कि एक लड़का किसी भी प्रकार का उसके साथ गद्दारी कर रहा है या कर रही है या कर रहा है और ये किसी दूर जगह में चला गया है, समंदर के अंदर पार होके कहीं ऐसे दूसरा देश में चला गया और वो उसके अगेंस्ट में एक तांत्रिक उस प्रकार का प्रयोग कर रहा है जैसे मैं बताया था। और फिल्म का आखिरी में वो दिखा रहा है कि वो कैसे मरा उस प्रयोग से। ओशो के का जी भी, भगवान ओशो भी, उनके जो प्रवचन माला है उसमें भी तंत्र विज्ञान के ऊपर एग्जैक्टली यही कहानी अफ्रीका को लेके बताए। अफ्रीका में साइंटिस्ट लोग जाके उसके ऊपर बहुत रिसर्च किए कि हाउ इट इज पॉसिबल, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जिसके नाम पे वो प्रयोग किया जाता था वो अगर 2,500 किलोमीटर 3,000-5,000 किलोमीटर दूर पे भी है तो परिणाम तो वही हो जाता है। और उसके ऊपर एक छोटा सा और एग्जांपल दिए थे कि एक पेड़ के जंग अफ्रीका में जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना पेड़, अमेजन में या कहीं, उनका कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा प्लांट है जिसको काटना मुश्किल है उस समय, ठीक है। और इतना बड़ा पेड़ को लोग मिलके काटेंगे तो हो सकता है 1 महीना लगे या 6 महीना लगे या 1 साल भी लगे। तो वो पेड़ के सामने खड़ा होकर लोग उसको गंदा गंदा गाली देते हैं और करीब 3 महीना से लेके या उनका जो टारगेट है उसके अंदर वो पेड़ मर जाता है, ठीक है। ये इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ गाली। अभी देखो हाँ, ये नेगेटिव थॉट समझ लो, ये नेगेटिव थॉट भी समझ लो या तुम्हारे शरीर से निकला हुआ जो नेगेटिव ऊर्जा है जो वहाँ इफेक्ट करता है या मन से निकला हुआ ऊर्जा इफेक्ट करता है। अभी देखो, दिस इज द पावर ऑफ, एक्चुअली इट में इट इज द पावर ऑफ मंत्र, ठीक है। मेरे जीवन पे मैं 1981 मेरा पहला जो धार्मिक गुरु हुए स्वामी शिवानंद जी महाराज, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेरे प्रवचन में स्वामी जी लोग बोलते हैं, मैं तो देखा नहीं। उस समय ऋषिकेश आश्रम बहुत नया नया खुला था या कुछ ऐसे उधारी टाइप में उनका लोन बहुत था और उस आश्रम में नेपाल का राजा हिमालय के रास्ते से कहीं पहाड़ के नीचे नीचे होते हुए ऋषिकेश आ रहे थे। और ऋषिकेश का आश्रम में एक ऋषिवानंद आश्रम जो है ना, कभी जाओगे राम झूला लक्ष्मण झूला के पास, नॉट लक्ष्मण झूला, राम झूला है, अब गए हो नहीं गए हो, राम झूला गए हो नहीं गए हो, हाँ। तो वहाँ पर विगत 60-70 साल से हरिनाम संकीर्तन हो रहा है अखंड, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ वेदव्यास में जैसे हो रहा है वहाँ ऐसे हो रहा है। तो वो ऐसे ही हर दिन, हर जो सन्यासियों का ड्यूटी बांटा गया है कि वो लोग नाम अखंड करेंगे, नाम टूटना नहीं चाहिए, दिया बुझना नहीं चाहिए। और मॉर्निंग सत्संग में उस समय स्वामी शिवानंद जी महाराज डेली वहाँ पर आते थे, तो स्वामी शिवानंद जी महाराज आके अपना हरिनाम कर रहे थे और कभी वहाँ पर ये जो महामंत्र है वो कभी खंडित नहीं हुआ था।
और सडन उस दिन क्या किए स्वामी शिवानंद जी महाराज, महामृत्युंजय चालू कर दिए। तो इतना साल का तपस्या महामंत्र का, सडन कोई सन्यासी, फिर स्वामी जी, बड़ा स्वामी जी, उनको कौन क्या बोलेगा। और कुछ देर महामृत्युंजय मंत्र करने के बाद फिर वो हरे कृष्ण हरे राम पे चले गए। तो उनका शिष्य समझ नहीं पाया ऐसा क्या हुआ, और कुछ देर के बाद नेपाल का राजा वहाँ पर पहुँचे। नेपाल का राजा स्वामी जी को चरण स्पर्श किए, तब स्वामी जी हंसने लगे और वो नेपाल का राजा फिर बोले कि महाराज, और आज हमारा नूतन जन्म हुआ और इतना मिनट पे हम लोगों का जब आ रहे थे पहाड़ के ऊपर से बहुत बड़ा बर्फ खंड पत्थर और मतलब लैंडस्लाइड हुआ और हम कैसे बचे हम लोगों को भी पता नहीं। हमारा जब होश आया तो हम देखे कि लैंडस्लाइड का पार हो चुके थे हम, ठीक है। और फिर उसी समय नेपाल राजा को कहा जाता है कि जो टाइमिंग में आप बोले उस समय में इस आश्रम का, इस महामंत्र का रूल को तोड़ के स्वामी शिवानंद जी महाराज सडन ऐसा क्या हुआ पता नहीं महामंत्र छोड़ के महामृत्युंजय मंत्र पे आ गए। यानी इतना पुराना जो अखंड नाम संकीर्तन हो रहा था वो टूट गया और इसमें महामृत्युंजय मंत्र आ गया। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज थोड़ा मुस्कुराने लगे और बोले, देखो आप लोग जो बोल रहे हो, उनका डिस्कोर्स में वो बोल रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हो कि महामृत्युंजय टूट गया और इसमें हम लोगों को बहुत पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, खराब हो गया, बोले देखो मेरा कोई भी चीज़ उतना बड़ा नहीं है जहाँ किसी व्यक्ति का प्राण बच जाए। और क्योंकि किसी का प्राण बच गया उसमें मेरा संकल्प टूट जाए कोई बड़ा बात नहीं है। तो नेपाल का राजा बहुत खुश हुए और उस समय स्वामी जी का वो दीक्षा शिष्य बने और आश्रम के लिए बहुत कुछ ऐसे किए थे, जैसे टिहरी गढ़वाल का राजा स्वामी शिवानंद जी महाराज को वो मतलब ऋषिकेश में 60 करोड़ का जमीन आज के डेट में होगा शायद उसको दे दिए थे। ये सच झूठ मुझे नहीं पता, हम तो बस सुने हैं केवल। तो इट इज़ अ पावर ऑफ यू नो मंत्र, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि स्वामी जी महाराज उनके साथ उतना लिंक कनेक्शन में थे, छोड़ दो मैं देख लूँगा, लाइट तो जल रहा है okay. स्वामी जी महाराज वो नेपाल के राजा जी के साथ एक भावना में थे जिसके लिए उनका महामृत्युंजय मंत्र उनको बचा दिया। ऐसे ही और एक मेरा गुरुजी के साथ हुआ था कि वो सुबह सुबह ध्यान में थे और उनका एक छात्रा या शिष्या को ट्रैक्टर पीछे से आके एक्सीडेंट किया और वो ध्यान पे देख रहे हैं कि घट रहा है लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है और वो तुरंत अपना ध्यान तोड़ के महामृत्युंजय मंत्र को उसके ऊपर प्रयोग करने लगे। और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट किए और सीधा IGH, वो ध्यान करके उनको दिखाई दे दिया कि एक्सीडेंट हो गया है। तब तक उधर से फोन आ रहा है कि ऐसा ऐसा वो माता अंबिकेश्वरी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको IGH में एडमिट किया गया है। IGH मीन्स इस्पत जनरल हॉस्पिटल। तो ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी मैं IGH में हूँ। बोले आपको कैसे पता चला, आप कैसे IGH में आगे खड़े हो गए, आप तो प्लांट में मतलब यू आर इन द राउट। बोले ये आपको समझ में नहीं आएगा। फिर जब वो उससे मिले वो पेशेंट से तो बोले वो बोल रही है कि ट्रैक्टर एक्चुअली मुझे सामने से मारने वाला था लेकिन ऐसा क्या शक्ति हुआ जो पीछे से मार के पीछे से मेरे को मतलब ट्रॉली आके मेरे को हिट हुआ, मैं गिरा, मेरा हाथ पैर कॉलर बन टूट गया, तो मैं पूरा नहीं बचा आधा बचा है ना। तो इसमें एक तो गुरु का शक्ति है जिसने कि मंत्र का प्रयोग किया, पूरा भी बच सकता था, पूरा मर सकता, पूरा मर तो नहीं सकता था क्योंकि वो तो गुरु का हृदय है, गुरु का हृदय है जो कि अपने शत्रु को भी माफ कर देते। लेकिन वो छात्रा या छात्री उस समय ये उस वो गुरु जी के साथ थोड़ा सा कहीं द्वेष भाव झगड़ा टाइप टेंशन टाइप ऐसा कुछ
तो जिसके लिए कि पूरा एनर्जी उसको रिसीव नहीं हुआ, ऐसे उनका कहने का तात्पर्य था। तो ये पावर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मंत्रा अगर पॉजिटिव यूज किया जाए तो, जैसे वो एक मेरा गुरु हैं वो बगलामुखी के साधक हैं, तो वो बोलते हैं कि ऐसा करो मेरे को आज दिन भर खाली गाली दो, फिर शाम तक देखो क्या होता है। तो इसके ऊपर भी हमने बहुत 3-4 बार रिसर्च किया और रिजल्ट बड़ा खतरनाक आया। ऐसे ही एक व्यक्ति उन कुछ ऐसे वो गुरुजी का कुछ तबीयत खराब था और बस में आ रहे थे, तो बस वाले से पहला डेड अगला सीट 2 ठो बुक किया था। बस कंडक्टर क्या किया, इनको धोखा दे दिया, उनको 2-3 सीटें पीछे दे दी। तो वो फिर बोले कि हे माँ तेरा जो मर्जी, मैं तो अगला सीट का पैसा दिया था, अगला सीट मेरे नाम पे बुक था। और इतना बोल के वो बोले कि माँ किसी का कुछ नहीं करना। और वो बस मात्र 5-10-20 किलोमीटर गया है, एक उसके साथ टकराया, मतलब एक ब्रिज का कलवट था उसमें टकराया और आगे से 2 पीस हो गया। हो सकता है ये इत्तिफाक हो, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट होना था और ये बोले और हो गया। लेकिन उनके साथ ऐसे 1-2 घटना नहीं, करीब करीब मेरे जानने के अंतर्गत 8-9 ऐसे घटना घटे हैं जो कि उनके साथ कोई गलती किया, गाली दिया, गद्दारी किया, ठगा है, पैसा ठग दिया, ऐसा कुछ, और वो कहीं ना कहीं क्रोधित हो गए या कुछ ऐसे किए और उनके साथ इस प्रकार का दुर्घटना घटता है। ऐसे ही मेरा और एक गुरु हुए, वो किसी रूप को पूजा नहीं करते। देखो माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप तो करते हैं, वो मंत्र बगलामुखी तो डायरेक्ट ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, तो वो सर्वशत्रुनाम करते हैं, उनका जीवन में बहुत ज़्यादा शत्रु होते हैं जनरली। तो वो बार बार कहते हैं कि देख मेरा कौन अपना है और कौन पराया है, वो एनर्जी को नहीं पता। मैं अगर माँ बगला का कोई मूर्ति का पूजा करता और माँ के रूप में पूजा करता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि माँ जानती है कौन रिलेटिव्स हैं, कौन अपने हैं, और कौन प्यार से गाली दिया है और कौन शत्रुता से गाली दिया है। क्योंकि मैं ज्योति रूप एक ऊर्जा को एज ए बगलामुखी मंत्र का प्रयोग करता हूँ, तो फिर वो नई एनर्जी नहीं समझने वाला है कौन अपना और कौन पराया। तो सोच संभल के मेरे साथ डील करो। उतना दिन से बोले थे, मैं उस बात को विश्वास नहीं करता था। अभी हाल में ही फेसबुक में एक वीडियो देखा, एक बड़ा सा गंगा तीरी गाय या ऐसा कुछ, उस गाय के साथ ये जो गाय का सेवक है, भक्त है, साध लिया है, और वो लड़का अगर कहीं बैठा हो झूठो झूठ में भी ना उसको कोई डंडा ऐसे उठाए मारने के लिए, तो गाय कहीं भी दूर में रहे और दौड़ के आके उसको जो डंडा लेके उसका सेवक को मारता था उसको मारे और पकड़ लो उसके, वो गाय कहीं पर है और उसको जो चराने वाला या सेवक है उसको कोई छुरा लेके झूठो, मतलब ऐसा नहीं अपना मित्र भी है लेकिन छुरा लेके मारने के लिए जाए, तो गाय दौड़ के आके इसको उसका जो भी छुरा पकड़ा था उसको हिट करके गिरा दे। कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा रिसर्च हुआ, यानी गाय जैसे एनिमल को पता नहीं है कि गाय जैसे इतना कॉन्शियस एनिमल को वो जो सामने वाला मित्र है या शत्रु है, और झूठो अटैक कर रहा है कि सच में अटैक कर रहा है या रिसर्च करने के लिए अटैक कर रहा है। लेकिन गाय मुड़ के कितना भी व्यस्त हो अपने बच्चा को छोड़ के आके उसका एनिमी को हिट करना ही करना है। तो दिस इज ए कैपेसिटी। देखो तो वो तो रिलेशन बिटवीन गाय और उसका सेवक, लेकिन यहां जो साइंटिफिक मंत्र का बात है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में और तांत्रिक शास्त्र में भिन्न भिन्न मंत्रों को लिखा गया है। वैदिक मंत्र लिखा गया है और तांत्रिक मंत्र भी बहुत सारे हैं और इस प्रकार के और भी, जैसे वैदिक नहीं है, तांत्रिक नहीं है, लेकिन वो आदेश का मंत्र है, गुरु का आदेश, शिव जी का आदेश,
ऐसा करके उसको, उस मंत्र को क्या बोलते, मेरा मुंह में नहीं आ रहा, झड़न मंत्र है, इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र हैं, अघोरी मंत्र हैं जिनका कि कोई संस्कृत मैंने संस्कृत टेक्स्ट से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे गोरखनाथ संप्रदाय में भी कुछ ऐसे मंत्र आते हैं, शिव जी का आज्ञा से ऐसा हो जाए, भूत छूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा करके। जैसे ये मंत्र है, अहिल बंधु जेल बंधु बाला, अहिल बंधु जेल जेल बंधु और मांची खाए, शत्रुगुणा का मुख बंधु हनुमंत की दुहाई, ऐसा करके। देखो इसमें कोई वैदिक नहीं आया, हाँ ये मंत्र को मैं, क्योंकि गुरु आज्ञा का है इसलिए मैं इसको तोड़ के बोल रहा हूँ, इसको एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ क्या है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मंत्र जप करने से क्या होगा। जैसे हमारे पास कोई कुंडली लेके आ जाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि शनिदेव का इतना मंत्र जाप कर लो, या राहुदेव का इतना मंत्र जाप कर लो, या महामृत्युंजय का जाप कर लो, या काली माँ का मंत्र जाप कर लो, या जो भी मंत्र जाप करने से आपका जो ग्रहरिष्ट है खंडन हो जाएगा, या आपके जो पाप है वो प्रायश्चित हो जाएगा, और आपके ऊपर जो ऐसे ग्रहों का, ऐसे दुर्योगों का जो इफेक्ट आ रहा है वो घट जाएगा या कम होगा। तो लोगों के ऊपर इसके ऊपर विश्वास नहीं है, और जो लोग इसे बिना विश्वास में भी मैकेनिकली भी जाप करते हैं ना, उनको भी काम में आता है। मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम लोग एक दिल्ली से झिंझोली हरियाणा, आज से 20-22 साल पहले का बात है, मेरा पूरा टीम को लेके, मेरा जितने सारे योग वाले कराटे वाले नेचुरोपैथिस्ट थे, पूरा फुल बस में हम लोग गए थे। और वहाँ क्या हुआ जानते हो, आने का टाइम में हम लोग कहीं भी गाड़ी में जाते थे, मैं जब भी अपने बच्चों को लेके जाता हूँ तो एक काम जरूर कराता हूँ कि जब तक गाड़ी में बैठे हो मैक्सिमम मृत्युंजय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप पक्का, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाता हूँ तो सेफ्टी के लिए। तो मेरे को रास्ते भर एक ठो ब्रिजेशानंद सरस्वती करके बहुत अकड़म टकड़म वाला लड़का था, स्टूडेंट था, और वो कुछ ऐसे ही अलग मतलब जैसे अलग धर्म, शून्य ब्रह्म धर्म और ये क्या बोलते हैं आर्य समाज टाइप का आदमी, उसमें थोड़ा सा पढ़ा था, उतना उनका था नहीं। तो हमेशा मेरे को बोलता है क्या गुरुजी पागल जैसे बिना मतलब का मंत्र जाप कराते रहते हो, और इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 21वीं सदी है और नहीं मतलब 1900 ख़त्म होने जा रहा है और ये क्या करा रहे हो, इसमें कोई फ़ायदा है क्या। और जस्ट हम लोग आ रहे थे तो बस में हम लोग आ रहे थे, पता नहीं उस गांव वालों के साथ वो वहाँ का क्या प्रॉब्लम था, मारा पत्थर धाड़ 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 धाड़, और उस बस का जितना कांच था चूरा होके बस के अंदर घुसने लगा। उस समय मेरे बच्चे आंख बंद करके बैठे थे, महामृत्युंजय कर रहे थे, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे थे, किसका आंख में कांच घुसा, किसका बॉडी में कांच घुसा, और ऑल आर एंजॉयड, हम लोग बच गए थे। तो फिर मैं उस गदानंद सरस्वती को बोला, अब समझ में आया मृत्युंजय और महामृत्युंजय मंत्र का चमत्कार क्या है। तो ऐसे ही है, आप विश्वास करो नहीं करो, अगर आप जाप करते हो, और मैं अपने जीवन पे तो कई चमत्कार देखा हूं, क्योंकि मंत्र जाप का काम मैं आज से नहीं कर रहा हूं, बचपन से मेरे को ऐसा संस्कार मिल गया, ऐसे गुरु मिल गए, और छोटे समय से ही। तो इसका मैं जीवन पे कई प्रयोग, इतना प्रयोग बताऊं, मंत्र को लेके पानी पकड़ के फूंक के किसी के ऊपर छीट भी दिया तो कितना दिन का दर्द और बीमारी ठीक हो जाता है। एक सबसे बड़ा मेरा गुरुजी का ये था, उसका ब्रेस्ट में ट्यूमर टाइप था, और पता नहीं उनके अंदर वो जस्ट पूजा करके निकल रहे थे या शाम का समय था, ध्यान में बैठे थे, और वो आके बोल रही है कि ऐसा ऐसा हो गया, और तुरंत थोड़ा सा पानी पकड़े और थोड़ा सा अग्निहोत्र का राग पकड़े, मंत्र किए और उसके ऊपर दे दिए, और उसको बोले इसको चाट दो। सुबह सुबह फ़ोन कर रही है कि नहीं है ट्यूमर, ट्यूमर गायब हो गया। देखो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे मंत्र का फायर स्पीड पावर साधना और उसमें सिद्धि कितना है कारगर कर जाएगा। जैसे आप ही बोल रहे थे ना, वो कहीं ऐसे कुंभ मेला में घूम रहे थे, कौन बोला था, आप ही का था ना, कुंभ मेला में घूम रहे थे और वो स्वामी जी आके तुम्हें पूछे कि क्या चाहिए, तो आप कुछ नहीं बोले, चुप रह गए, और तब तक एक विभूति निकाल के दे दिया, बोला ले आप अपना बीबी को खिलाए, क्या बोला, ऐसा क्या बोला था, क्या बोला था,
चाट लीजिए, थोड़ा खेल खा लेगा, बिल्कुल खिला लीजिए। अच्छा वो हाँ, मतलब वो ये समझ गया कि तुम क्या चाहते हो पता नहीं, लेकिन उसको पता हो गया कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक बेटा हो। तो वो कुंभ मेला में आप घूमते घूमते वो बोला कि तेरे को बेटा चाहिए, ये ले, और ला के चटा दिया। क्या था वो? किसी का एक मांत्रिक शक्ति, तांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति, साधना का शक्ति तो था जो आपने अपना बीवी को दिए और आपका बीवी का बच्चा हो गया। ऐसे ही एक और रुद्राभिषेक के ऊपर में एक बहुत बड़ा पंडित था, जिंदगी भर उसका बच्चा नहीं हुआ, तीन बेटी थे उसका, और आखिरी में उसको किसी ने बोल दिया कि रुद्राभिषेक करना है। और वहाँ रावण के द्वारा स्थापित सहस्त्रलिंग शिव मंदिर है, ये बौद्ध बौद्ध और फुलवाणी के आसपास। वो चलते चलते आते थे और रुद्राभिषेक करते थे, और उसके बाद उनका एक बेटा हुआ। और जो बेटा हुआ, लेकिन उसका कुछ शनि महादशा के बाद 25-30 साल की उम्र, बहुत अमीर आदमी, वो कैंसर हुआ और वो मर गया। लेकिन अब देखो, असंभव भी संभव हो सकता है। मंत्र साधना एक इतना पावरफुल एलिमेंट, पावरफुल ऑब्जेक्ट है। मंत्र में मंत्र शक्ति, जाप शक्ति, तुम्हारे इंटेंशन, विश्वास, रेगुलरिटी, और इन सबके उपरांत एक चीज सबसे बड़ा आवश्यक होता है, वो है गुरु आशीर्वाद। अगर गुरु आशीर्वाद है, गुरु से दीक्षा, दीक्षित मंत्र है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे YouTube से देख के या इधर उधर का कोई मंत्र को जाप लोगे और होगा नहीं बोल के बात नहीं है, होगा, लेकिन वो मंत्र का प्रयोग कुछ सदकार्य में हो तो इम्पैक्ट आएगा। और हाँ, नेगेटिव प्रयोग करोगे तो वो भी तुम्हारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अगर किसी को गलत करने के लिए वो मंत्र का प्रयोग कर रहे हो तो उसका इफेक्ट भी तुम्हारे ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, कुछ पाप का प्रायश्चित नहीं है, जैसे मैं बोला पेड़ काटना, चिड़िया मारना, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का पाप का प्रायश्चित होता तो महाभारत में वो जो पेट के अंदर बच्चा मार गया था, क्या नाम था उसका, लास्ट महाभारत युद्ध का आखिरी पर्व, आखिरी पर्व में जिसका आंख यहाँ पर उसको निकाल के छोड़ा, अश्वस्थमा, यस यस। तो अश्वस्थमा जैसे आदमी जीवन भर उसको घूमना पड़ा भ्रूण हत्या के कारण, आजीवन उसको कोढ़ होने लगा। तो वो फिर भ्रूण हत्या का तो कुछ भी प्रायश्चित कराया जा सकता था। और जो लोग भ्रूण हत्या पूर्व जन्म में ऐसे कोई बच्चा मार दिए है या ऐसा कुछ किए, तो मैं ज़्यादातर कुंडली में, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा जन्म होने से मर जा रहा है, तो फिफ्थ हाउस में, अगर फिफ्थ हाउस पाप कर्तरी में फंसा है, फिफ्थ हाउस में राहु का ऑस्पेक्ट है, या राहु वहाँ पर फंसा हुआ है, कस के बैठा है बड़ा बलाबल के साथ, या वहाँ पर कुछ और इस प्रकार के बड़ा भयंकर दुर्योग हुआ है, वहाँ पर पकड़ लो गुरु चांडाल दोष हो गया है, पितृदोष हो गया है, या फिर वहाँ पर अंगारक दोष हो गया है राहु और मंगल का फिफ्थ हाउस में, और तो या फिर डबल हो गया है, मतलब D1 में भी हुआ है, नवांश में भी हुआ है, तो फिर उनके घर में और बच्चे होते नहीं, और बच्चे हुए भी ना तो उसमें बड़ा परफेक्ट क्या होता है, जैसे डिग्रेडेशन ऑफ जनरेशन होना चालू हो जाता है। जैसे ये अहेतुक पेड़ काटना, अहेतुक चिड़िया और जीव जंतुओं को हत्या करना, अहेतुक बिना मतलब का भ्रूण हत्या कर देना, तो जो लॉ ऑफ नेचर क्या बोलता है कि इनका जो अगला जनरेशन है, फिर अगला जनरेशन है, वो अगला जनरेशन है, वो धीरे धीरे वीक होने लगता है हर क्षेत्र से, धन धान्य बल समाज के ओहदा मान सम्मान ये सब में ना अगला अगला पीढ़ी अगला, और इतना लास्ट में डिग्रेड होकर गिर जाते हैं कि वो परिवार आखिरी में एंड हो जाता है, वंशनाश हो जाता है। हेतु को जलता होगा तो है, हेतु हेतु तो हेतु को जलता गज करना, कोई हेतु के लिए भी गज करना नहीं, हेतु में कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता है। देखो, अहेतुक और हेतुक का ये दो शब्द का अर्थ क्या समझते हो? कारण रहित, कारण रहित और कारण सहित। अब कोई कारण सहित कोई पेड़ को काटे, यही तो, अच्छा कारण क्या है? तुम एक पेड़ को काटोगे, अभी इंटरनेशनल लेवल में ट्री हाउस, हाउस इनसाइड द ट्री, एक तो ट्री हाउस हो गया, पेड़ के ऊपर घर बना के रह रहे हैं, और एक हो गया द ट्री इनसाइड द हाउस, यानी वो जो घर बनाते हैं ना, वो पेड़ को लेके बना रहे हैं, बड़ा सा पेड़ है,
तो वो घर के अंदर ही पूरा छत के साथ, मतलब सोचो ड्राइंग रूम में घुसे हो और वहां पर बड़ा सा एक डालिया है, तुम बाथरूम बेडरूम में घुसे हो वहां पर और एक कोई ब्रांच पास होके गया है और वो लोग बना के रह रहे हैं, वो नहीं काट रहे। और उससे बड़ा और क्या कॉज हो सकता है कि जिसमें पेड़ काटे? इलेक्ट्रिक का कोई हाई पावर लाइन है तो भी कुछ ब्रांच कटिंग कर देते हैं, और क्या ऐसे कॉज हो सकता है जहां पर हम पेड़ काटें? घर बनाने के सिवा, रोड बनाने के सिवा, फैक्ट्री बनाने के सिवा। तो उसका दंड भी उनको मिलता है और प्रचंड रूप में मिलता है, क्योंकि जो देखो एक बात बताता हूं, जैसे एक छोटा सा जमीन है, हाँ, दो कट्ठा पांच डिसमिल जमीन है, बीच में एक पीपल का गाछ है, हाँ, वो छाई कर रहा है उसका सब नीचे, सपोज वो खेती करना चाहता है उसको तो काटना पड़ेगा नहीं? हाँ नहीं, देखो कैसे होगा, छाई में हो जाएगा। एक पीपल का पेड़ का मूल्य रिटर्न्स और तुम्हारा खेती का रिटर्न्स अगर देखोगे, और उस हिसाब में अगर तुमको लगता है कि नहीं ये पीपल का पेड़ काटना है, मैं तो हाँ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं देखा हूँ जो लोग पीपल का पेड़ काटे हैं, पीपल हाँ, जो भी है नियम है वो कि कुछ, हाँ देखो सरकारी गाछ भी है, कौन मना कर रहा है, आदमी करोड़ करोड़ पेड़ काट रहा है, इतना बड़ा जंगल ओडिशा इंडिया का पूरा जंगल ध्वंस हो चुका है और एक दो पेड़ का कोई मतलब है क्या? ये तो डिपेंड अपॉन योर कॉन्शियसनेस, तुम्हारा चेतना क्या है, उस पेड़ के साथ लगाव क्या है। अरे रोड अभी देखो बारकोट वाला एनएच बन रहा है, एनएच 23 या 60 एक्सपेंशन हो रहा है, करोड़ पेड़ काट दिए, क्या बटबरखियो और पीपल दिखा रहे हो, सब काट के जीरो जीरो कर दिया, आज के डेट में वहाँ छाए नहीं मिलेगा, काट दिया काट दिया। उनका दंड उनको, उनका पाप उनको। ये दंड किसको जाएगा? तो सरकार का पॉलिसी है, नहीं सरकार का पॉलिसी, सरकार मुझे ये समझेगा क्यों सरकार को दंड नहीं मिलता? अभी सोचो इतना बड़ा कोरोना, क्या सरकार के लिए दंड नहीं है? अभी इतना बड़ा देखो एरोप्लेन टूट के केरल में दो पीस हो गया, क्या ये सरकार का दंड नहीं है? अभी सरकार बदनाम हो रही है, ये दंड नहीं है? गोहत्या हो रहे हैं और सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ये दंड नहीं है? क्या खाली इंसान को दंड मिलता है, पूरे राष्ट्र को उसके लिए भोगना पड़ता है? ये दंड पूरे राष्ट्र के लिए ही थप्पड़ है। इसलिए देखो पाप तो किसी को नहीं छोड़ता है ना, पाप का बाप, पाप किसी को छोड़ने वाला है नहीं। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं बच जाऊं, मैं ये पाप कर दिया और बच गया। देखो एनर्जी टाइम स्पेस ये तो अपने कॉन्शियसनेस में है। एक गच काट के उसका बदले में कुछ किया जाएगा तो कुछ हाँ ये किया जा सकता है, लेकिन करता कौन है? भरपाई होगा ना? ना ना, ये तो नियम है कि मैं अगर मेरे को बहुत इमरजेंसी पड़ा कि एक पेड़ काटना है तो उसके बदले में मैं 10 पेड़ लगाऊं, 100 पेड़ लगाऊं, तो ये जरूरी अच्छा है, मैं इसमें दोराय नहीं हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारे क्रिएटिविटी कुछ नहीं रहा, क्योंकि उस पेड़ के साथ भी बहुत कुछ किया जा सकता था जिसको कि हम लोग काट दिए। क्योंकि सोचो एक पेड़ बड़ा होके इतना मोटा होके और चारों तरफ, और तुम 10 पेड़ लगा दिया, उस लेवल का वो 10 पेड़ पहुँचने के लिए तो कम से कम 50 साल लग जाएगा ना, तो 50 साल के जो ऑक्सीजनेशन वैल्यू है ऑक्सीजन वो तो नहीं रहेगा। तो ये डिपेंड करता है इसमें, देखो क्या है, सोचो खतरा कहाँ है। देखो करंज गच काली सहस्र नाम में लिखा गया कुंजर वृक्षवासिनी कुंजर जंगलवासिनी, यानी काली कहाँ रहती है माँ? करंज के गच में। कदम्ब बुलवासिनी कदम्बिनी ऐसा बताया गया, तो कदम्ब के। और अगर कोई उस पेड़ को अपने पितृपुरुष के नाम पे समर्पण और तर्पण किया है और तुम काटे, तुम्हें तो नहीं पता ये पेड़ को ये कोई लगा के ये ऐसा कुछ पितृपक्ष में कुछ कुछ गच को बड़ा ये करने के लिए छेदन भी तो उसको प्रक्रिया है। देखो छेदन तो आप क्या बोलते छेदन के बारे में? हाँ देखो छेदन कर सकते, लेकिन अगर सुनो ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपकी है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा डिटेल में आपको इस बारे में बताऊंगा। अगर आपको बायो एनर्जी बायो यूनिवर्सियल एनर्जी के ऊपर अगर कुछ ज्ञान है, बहुत सुंदर विषय आप मेरे को ये प्रश्न किए, छेदन करने से पेड़ों में क्या होता है और क्या फ़ायदा है या नहीं है इसका, मैं ये विषय मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसका आगे वाला वीडियो में आपको बताता हूँ। किसी भी जगह में ना आपको अगर एक एनर्जी जनरेट करना है और वो एनर्जी जनरेट होने से आपके जीवन पे आपके पूरे लाइफ स्पान पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे आपको क्या मिलता है,
आप कहीं पर सब्जी 10 किलो उगा के पैसा खा लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि आप उतना एनर्जी को एक्सपा मतलब अगर आप गेन करते हो तो उससे ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। वो कैसा है मैं अभी बता रहा हूँ आपको।